आज यमुना प्राधिकरण की 74वीं बोर्ड बैठक हुई, जिसमें हमारे माननीय अध्यक्ष चेयरमैन सर ने तथा नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सीईओ तथा ADMLA और अन्य जो माननीय सदस्य उनके प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। आज के बैठक में कुल 32 एजेंडा बन आए थे, जो मुख्य रूप से 4 परियोजनाओं का पहले मैं बताना चाहूँगा। एक तो टप्पल में लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग पार्क स्थापित करने का निर्णय हुआ, जो कि PPP मोड पे किया जाएगा और 2 से 5 एकड़ में होगा। डिलॉयट ने इसकी DPR बनाई है, अब डिलॉयट ही इसका RFP डॉक्यूमेंट और कंसेशन एग्रीमेंट बनाएंगे। दूसरा, पर्सनलाइज्ड ट्रांजिट सिस्टम, रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जिसको PRT बोलते हैं या कामन भाषा में पार्ट टैक्सी बोलते हैं, वो एयरपोर्ट से लेकर के फिल्म सिटी तक चलाए जाने का DPR जो है अप्रूव किया गया। इंडियन रोडवे पोर्ट कॉरपोरेशन ने इसकी DPR बनाई है। यह 14.6 किलोमीटर लंबी होगी, इसमें 12 स्टेशन होंगे और 2 तरह की पार्ट टैक्सी होगी। एक पार्ट टैक्सी एयरपोर्ट से सीधे फिल्म सिटी जाएगी, एम्यूजमेंट पार्क में जाएगी, दूसरी इंडस्ट्रियल एरिया को होती हुई जाएगी, जिससे कि बायर्स जो इंडस्ट्री के बायर होंगे उनको उसमें लाभ मिलेगा, उनके एक्सपोर्टर जो होते हैं, जो बायर्स होते हैं, उनकी यूनिट्स पर विजिट कर सकेंगे। और एक तरह से ये टूरिस्ट हब बनाए जाने का प्रयास है, क्योंकि ये पूरा दिल्ली से लेके आगरा तक एक टूरिस्ट कॉरिडोर डेवलप हो रहा है, इसमें मथुरा में भी हेरिटेज कॉरिडोर आ रहा है। तो इसी तरह पार्ट टैक्सी चलाने से फिल्म सिटी से लेकर के जीवन एयरपोर्ट के बीच में अगर मान लीजिए 2 से 3 घंटे कोई हवाई जहाज रुकता है और कोई फैमिली जो है एम्यूजमेंट पार्क आना चाहती है, तो वह डायरेक्ट एम्यूजमेंट पार्क आकर के अपने परिवार के साथ इंटरटेनमेंट करके दोबारा फ्लाइट भी पकड़ सकते हैं। तो PRT सिस्टम का अप्रूवल किया गया। तीसरा, मेट्रो जो है जेवर से लेकर के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस चलाए जाने के लिए DMRC ने प्रस्तुतिकरण किया। इसके 2 चरण हैं, पहला जेवर से लेकर के नॉलेज पार्क 2 तक तथा दूसरा नॉलेज पार्क 2 से लेकर के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक। पहले पार्ट का फिजिबिलिटी रिपोर्ट और DPR दोनों आज यहाँ प्रस्तुत की गई तथा दूसरे फेज की केवल फिजिबिलिटी प्रस्तुत की गई। बोर्ड ने सम्यक विचारोपरांत यह निर्देश दिया कि नॉलेज पार्क से लेकर के नई दिल्ली के बीच में जो एग्जिस्टिंग लाइंस है, नॉलेज पार्क 2 से लेकर सेक्टर 142 तक और अशोक नगर से लेकर के अक्षरधाम तक, उनको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं ये देख लिया जाए DPR में, और DPR में उसको इंक्लूड करके जो है नॉलेज पार्क 2 से लेकर के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक का DPR प्रस्तुत किया जाए। चौथा प्रस्ताव था मास्टर प्लान 2041, आज प्राधिकरण का अप्रूव किया गया। इसमें हमारी पॉपुलेशन जो है 2031 के बाद 35 लाख रखी गई है, इसमें इंडस्ट्रियल एरिया 13% से बढ़ा करके 23% कर दिया गया है, क्योंकि इंडस्ट्रियल अथॉरिटी इसलिए इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ाया जा रहा है। एयरपोर्ट साइट में वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक के लिए तमाम सेक्टर्स लाए जा रहे हैं, ग्रीन बेल्ट लाया जा रहा है, ओलंपिक पार्क और ओलंपिक गाँव बनाने की परियोजना है, कॉमर्शियल सेक्टर्स और एयरो सिटी विकसित किए जाने का मास्टर प्लान में किया गया प्रोविजन किया गया है, एयरोट्रोपोलिस बनाया जाएगा, बिजनेस सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का प्लान है, साथ ही साथ इसमें तमाम तरह के नए लैंड यूज भी, 2 नए तरह के लैंड यूज भी प्रस्क्राइब किए गए हैं, एक हॉस्पिटलिटी के लिए और इंडस्ट्री के लिए, जो 2 नए लैंड यूज किए गए हैं। ग्रीन जोन भी बढ़ाया जा रहा है, ये मास्टर प्लान के साथ साथ एक सर्विस इंडस्ट्री के लिए कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है। ये मास्टर प्लान 2041 का होगा, पहले शासन से अनुमोदित होगा और शासन के बाद ये जो है कन्फर्मिटी के लिए NCR प्लानिंग बोर्ड को भेजा जाएगा। सर, यमुना एक्सप्रेस वे का जो शुभारंभ वो महंगा होने वाला है, जी किस तरह से होगा, कब से वो लागू हो जाएगा? देखिए, जो यमुना एक्सप्रेस वे है उसके टोल के रिविजन के संबंध में एक प्रस्ताव आज आया था। 2018 के बाद टोल रिविजन नहीं हुए थे और इसलिए नहीं हो रहे थे क्योंकि यमुना एक्सप्रेस वे पे जो सेफ्टी मेजर्स थे वो कंसेशनाइड नहीं कर रहा था। कंसेशनाइड ने सेफ्टी मेजर्स में 135 करोड़ रुपया खर्च करके बीच में जो मीडियन है उसके दोनों तरफ थाई बीम लगाने थे, उन्होंने लगा दिए 165 किलोमीटर दोनों साइड, कुल 30 से 30 किलोमीटर। जो अंडर पासेस थे वहाँ पर एनुनेटर लगा दिए और बीम लगा दिए, साइड में भी मीडियन बीम बढ़ा दिया, और पूरा पैसा उन्होंने चूंकि खर्च कर दिया है इसलिए उसकी रिकवरी के लिए हमको थोड़ा सा टोल बढ़ाना पड़ रहा है। लेकिन यह की कोशिश की गई है कि जो 2-व्हीलर्स हैं और जो ट्रैक्टर्स हैं जो किसान हैं उन पर कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, वो एज इट इज़ रहेंगे। जो 4-व्हीलर्स हैं, जो कार के लोग हैं या जीप के लोग हैं, उनमें 10 पैसा प्रति किलोमीटर केवल बढ़ाया गया, जबकि 45 पैसा प्रति किलोमीटर का प्रस्ताव था, तो कम से कम न्यूनतम वृद्धि की गई है। कब से सर लागू हो जाएगा? ये 1 सितंबर से लागू होगा।
किसानों के लिए इस बार क्या रहा है? किसानों के लिए दो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। एक, किसानों को 33 साल एनुटी का काम उत्तर प्रदेश सरकार और LIC के बीच MOU ना होने के कारण रुका हुआ था 2017 से, और 4 गांव में 33% पैसा नहीं बट पा रहा था 33 साल। उसके लिए ADMLA की सहमति लेकर के बोर्ड ने तय किया है कि उन 4 गांव में प्राधिकरण सीधे पैसा दे देगा और ये पैसा ADMLA के माध्यम से वार्षिकी का वितरण कर दिया जाएगा। दूसरा, किसानों के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है कि उनको जो 7% प्लाट मिलते हैं वो उनके वारिसानों को अलग अलग प्लाट मिलेंगे। पहले मूल किसान के नाम पे एक प्लाट मिलता था, अब सभी किसानों को अलग अलग जो वारिसान होंगे सभी वारिसान को 7% के प्लाट उनके नाम से मिलेंगे। और दूसरा, किसान के जीवित रहने पर भी अगर वो चाहेगा तो उसके बच्चों के लिए प्लाट लगा दिए जाएंगे, रहेंगे मूल किसान के नाम पे, लेकिन वो प्लाट अलग अलग कर दिए जाएंगे, जिससे अपने बच्चों के मध्य में प्लाट का विभाजन करना चाहे या देना चाहे तो कर सकता है। बायर्स के लिए इस बार क्या रहा है? अब बायर्स के लिए एक तो हमने एक नया किया है कि बायर्स सीधे अपना 64% और लीज रेंट जमा करा करके जहाँ पर आंशिक कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ले लिया गया, जो उदाहरण के लिए सुपर टेक की एक स्कीम में और ATS एल्योर की स्कीम में, वो सीधे पैसा जमा करके लीज डीड करा सकते हैं। अभी बिल्डर के द्वारा पैसा ना जमा कराए जाने के कारण लीज डीड नहीं हो पा रही थी, तो ये नया प्रयोग हुआ है, पहली बार हुआ है किसी भी प्राधिकरण में, सीधे बायर्स भी पैसा जमा करा करके अपनी ट्राइपार्टाइट लीज डीड करा सकते हैं। उनको जो बिल्डर है उससे NOC लाना होगा और 64% लीज रेंट हमको सीधे दे करके वो सीधे अपनी लीज डीड करा सकते हैं। दूसरा, हमने ट्रांसफ़र चार्जेस भी 5% से आवासीय के लिए 2.5% कर दिया है, क्योंकि रेजिडेंशियल के ही ट्रांसफ़र हो रहे हैं, बाकी जो कैटेगरीज है उसमें फंक्शनल के बाद ट्रांसफ़र होता है तो भी कोई फंक्शनलिटी नहीं है, इसलिए को रेजिडेंशियल सेक्टर में 5% से TM 2.5% कर दिया गया, आधा कर दिया गया है, जिससे कि जमीन खरीद फरोख्त हो और लोग ट्रांसफ़र कराएँ, एग्रीमेंट पर या अटार्नी पर या स्पेशल अटार्नी पर या बिल पे ज़मीन या प्लाट ना खरीदें, बल्कि सीधे उनके नाम कम से कम पैसे में ट्रांसफ़र हो सके, इसलिए ट्रांसफ़र रेट कम कर दिए गए।